नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। दोस्तों, अगर आप एक घर बना रहे हैं तो आपको प्लानिंग की बहुत ही आवश्यकता होती है, नहीं तो आपका मेटेरियल वेस्ट होता है, आपका पैसा वेस्ट होता है, आपका समय वेस्ट होता है, मतलब कि सारी चीजें वेस्टिंग होती हैं। तो अगर आप एक बेहतरीन घर चाहते हैं तो आपको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेप से पता होने चाहिए कि घर कितने स्टेप से में बनेगा, किस फेस में बनेगा, आपको कब क्या करना होगा। तो वो लोगों को नहीं पता होता है। अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो लोगों को ये नहीं पता है कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे हमें घर बनाने के लिए, तो वो डिटेल आज हम बात करेंगे। तो अगर आप घर बना रहे हैं, बनाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका पैसा समय बहुत चीजें बचाने वाला है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है घर बनाने के लिए। तो पूरा वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी से कर दें, इससे आपको सटीक जानकारी मैं लगातार देता रहूं। मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके फटाक से इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके हमें नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल कर लें अपने आप को, इससे आप लगातार वीडियो हमारे पाते रहे। तो पूरे डिटेल के लिए हम आपको ले चलेंगे, मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं, तो उस पर ले चलते हैं। इसके लिए आपको मैं ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्राउजर पर आकर सर्च करना है स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, एक साथ सर्च करना है, आपको स्पेस नहीं देना है, स्मॉल लिखना है, हाउस लिखना है, प्लान लिखना है। इसके बाद आप यहां पर आ जाएंगे, देख सकते हैं आपको पहला ही वेबसाइट मिलेगा स्मॉल हाउस प्लान, इसी पर आपको क्लिक कर देना। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। वहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आएंगे और आपको सेकेंड थर्ड स्टेप में यहां पर मिल जाएगा हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप्स बाय स्टेप, या देख सकते हैं, या यहां पर आप सर्च भी कर सकते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप और आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। ये आर्टिकल मिलने के बाद आपको इसे ओपन करना है, खोल लेना है। यहां पर मैंने ए टू जेड जानकारी दी है कि कौन कौन से स्टेप होने चाहिए घर को बनाने के समय। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पर हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप इन इंडिया पूरा डिटेल के साथ बताया, ये भी पॉइंट्स आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट दिए हैं। इसके बाद इन पॉइंट्स को ब्रीफ यहां पर मैंने डिस्कस किया है। सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा घर बनाने के लिए, बिल्डिंग प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग बजटिंग। अगर बात करें कि आपका घर बनाने का जो प्लानिंग क्या है, आपके पास मैप क्या है, आप कितनी रिक्वायरमेंट आपको घर के नक्शा बनाने के लिए, आपको कितने रूम बनाने हैं, कार पार्किंग रखनी है नहीं रखनी है, आपको नल या जिसके कहते हैं वाटर की सप्लाई कहां से देनी है, ये सारी आपके पास एक रूपरेखा होनी चाहिए। या आप एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करके घर का नक्शा भी बनवा सकते हैं, जिससे आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर आप घर के नक्शे बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट वो हमारी पेड सर्विस का विशेष ध्यान रखें। तो आपके पास अगर एक मैप होगा, घर का नक्शा होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी घर बनाने में, क्योंकि आपको सारी चीजें प्री प्लान्ड होंगी, पहले से सब कुछ पता होगा। आपका 2 से 3 हजार रुपए हो सकता है एक्स्ट्रा लग जाए, बट आपको कभी भी भविष्य में तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य में आप चाहेंगे कि मुझे यहाँ पर मैंने क्या गलत बना दिया, मुझे यहाँ बेडरूम बनाना चाहिए, यहाँ किचन बन गया, तो वो सारी समस्याओं का समाधान है आप प्रॉपर प्लानिंग से घर का नक्शा बनवा लें, जिससे आपको पूरी डिटेल पता चल जाए। सेकेंड बात करें मार्किंग एंड एग्जीबिशन, मार्किंग और खुदाई। जब भी आपको पिलर देंगे, जब मैं आपको नक्शा दूंगा तो वहां पिलर का लोकेशन फिक्स होता है कि यहाँ यहाँ पिलर खुद रहे हैं, तो बहुत ही सफाई से करें। आपको पिलर कितने खुदने हैं, कहाँ कहाँ खुदने हैं, वो सारे नक्शे में भी मौजूद होते हैं। तो मार्किंग सबसे पहले आप व्हाइट पुट्टी से या चूने से उसमें मार्किंग कर लें, धागे बांध लें, चारों तरफ रस्सी बांध लें, इससे प्रॉपर मार्किंग हो सके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद खुदाई करें, खुदाई आप लेबर या जेसीबी जिससे भी चाहे करा सकते हैं, बट जो लेबर करेगा वो परफेक्ट करता है, जेसीबी थोड़ा सा क्योंकि वो मशीन है ज़्यादा भी खोज सकती कम भी खोज सकती है, आपको बाद में सफाई लेबर से ही करवानी पड़ेगी। तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप लेबर से खुदाई कराएं, अगर आप छोटा घर है, बड़ा काम है तो आप जेसीबी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद फाउंडेशन प्लिंथ बीम एंड कॉलम कॉस्टिंग, न्यू प्लिंथ बीम कॉलम की ढलाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहां पर आपने मार्किंग की है उसका आप प्लिंथ बीम कॉलम बहुत ही सुटेबल आपको बनवाने चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आपका कॉलम का बेस बन रहा है वो कैसा बन रहा है, क्योंकि घर उसी पर टिकने वाला है, तो कॉलम का बेस बहुत ही स्ट्रांग बनना चाहिए, जिससे अगर आप भविष्य में 3-4-5 खंड जितना भी अपने फ्लोर बनाना चाहें उन्हें आसानी से बना सकें।
अगर हम चौथी बात करें सटरिंग एंड स्लैब कास्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप ठेका दे देते हैं सटरिंग के लिए तो सटरिंग बहुत ही प्रॉपर और मजबूत लगाइएगा। कभी कभी सटरिंग टूट जाती तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जो घर बनवा रहा है उसका मटेरियल वेस्ट होता है, समय वेस्ट होता है। तो बहुत ही उसे पहले बात कर लें, मुझे स्ट्रांग सटरिंग चाहिए, प्रॉपर उसका लेबल नाप कर ही आप सटरिंग डलवाएं। ऐसा नहीं है सटरिंग कहीं पर भी ऊंचा है, ऊंची है, कहीं खाली है, तो प्रॉब्लम्स आपको होगी। इस वजह से लेबल उस पर जरूर लगाएं। इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बरिंग फिटिंग, अब इसके बाद दोस्तों आप दिवाली खड़ी हो जाएंगे। आपको इलेक्ट्रिकल और प्लम्बरिंग का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्लास्टर के पहले करा लेना है। घर में जब प्लास्टर होता है उसके पहले आपको इलेक्ट्रिकल का वर्क और प्लम्बरिंग का काम जरूर करा लेना है। कहाँ पर आपको बल्ब लगाना है, कहाँ पर बोर्ड लगाना है, कहाँ टीवी लगानी, सारा फिक्स कर लें। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर आप इलेक्ट्रिकल का काम करा लें। प्लम्बरिंग की बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर में पानी की सप्लाई हुआ या आपका जो टैंक बनता है उसकी निकासी हुई, सारा चीज़ें आपको फिक्स पहले से कर लेनी है घर में आपके प्लास्टर होने के पहले। इसके बाद आप घर पर प्लास्टर करवाएं। प्लास्टरिंग एंड फ्लोरिंग, देखिए इसके बाद जब सारा प्लम्बरिंग का इलेक्ट्रिसिटी काम हो जाए तो प्लास्टर और फ्लोरिंग आपको करवानी चाहिए, प्लास्टर, और इसके बाद आसानी से आप फ्लोरिंग करा सकते हैं। इसके बाद पेंटिंग और क्लीनिंग करा सकते हैं, जो आपका लास्ट स्टेप। इसके बाद आप कितना भी मकान में पैसा लगा सकते हैं, आप अपना पत्थर लगवा सकते हैं, टाइल्स लगवा सकते हैं, ये सारी सेकेंडरी थिंग्स हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके पास नक्शा होना चाहिए, मार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए, खुदाई प्रॉपर होनी चाहिए, और प्लर और बीम प्रॉपर बनने चाहिए, इसका दीवाल प्रॉपर बननी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बरिंग का काम प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद सटरिंग वगैरह, ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया, और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं निर्माण के सात चरण भी मैंने बता रखे हैं। ये सारी डिटेल आप एक बार जरूर पढ़ लें, आपको मैंने बता दिया, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा घर बनवाने में, और आप किसी प्रकार का घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। दोस्तों मैंने एक अपना एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया smallhouseplan.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप हाउस का कॉस्ट फाइंड आउट कर पाएंगे, कितना घर में आपका पैसा लगने वाला है, कितना मटेरियल लगने वाला, वो सारा डिटेल हमको आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अभी बग्स हैं उसे हम जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके सामने एक फ्रेश और बेहतरीन एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।